पहले पहले स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन जैसे कि न्यू पैटर्न आया, न्यू सिलेबस आया, तो जो 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस वाला जो आया था, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई सर टीएनसी की तरफ से। तो मैंने बहुत सुना था टीएनसी के बारे में, मेरी जो कज़िन है वो भी टीएनसी से जुड़ी हुई थी, तो फिर मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ सर। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मायसेल्फ पूजा बलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। आज इनसे जानने वाले हैं कि एक छोटे से संघर्ष के बाद इतना बड़ा एक अचीवमेंट, जो कि लोगों को चार चार साल, दो दो साल, तीन तीन साल लग जाता है, वो इन्होंने बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया। वो किस प्रकार से हासिल किया उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं तेजस्वी। थैंक यू सर। इस समय एक बहुत ही बड़ा रैंक आपने हासिल किया है, तो कैसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि एक फ्रेशर्स इतनी जल्दी रैंक हासिल कर रहा है, तो कैसा लग रहा होगा? सर पहले तो मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। बहुत खुशी हो रही है सर। ओके, इस इंटरव्यू में मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा, आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे इस समय, बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इस समय आपके इंटरव्यू को देखेंगे और उस इंटरव्यू को देखने के बाद वो सारी चीजें आपसे लर्न करेंगे कि हाँ, किस प्रकार से तेजस्विनी ने मेहनत की है, उसी प्रकार से हम भी मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में हम एक अच्छी रैंक को लेके आएंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपके अपने इंट्रोडक्शन से, कहाँ से आते हैं और कहाँ से आपने यूजी किया है, ग्रेजुएशन किया है? सर मेरा नाम तेजस्विनी अंबोरकर है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से, चंद्रपुर से आती हूँ सर। मैंने मेरा ग्रेजुएशन वीएसपी एमडीआईएनई नागपुर से किया है और मैं 2023 की पास हूँ। ओके, 2023, ये लगभग सितंबर अक्टूबर का बैच सब निकलता है, लेटेस्ट पास आउट और नेक्स्ट नॉर्सेट, इतना जल्दी एक कम समय में, ज्यादा लंबा सफर नहीं रहा है, बहुत ही कम समय में राइट डायरेक्शन मिलने से आप बहुत ही जल्दी सफर तय कर चुके हैं और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट ले लिया। बताएंगे कि ये इस रैंक जो हासिल किया है आपने 152, तो इसकी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी कि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से? सर मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उन पे बहुत फोकस किया था सर। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने तभी से क्लियर रखे, और थर्ड ईयर से सर मैंने डिसाइड किया था कि मैं नॉर्सेट को, नॉर्सेट के लिए ट्राई करूंगी सर। तो तब से मैंने, हाँ हाँ बताए बताए। तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि नॉर्सेट देना है। ओके, डिसाइड तो आपने कर लिया कि नॉर्सेट देना है, लेकिन उसके लिए आपने जो इम्प्लीमेशन, जो काम क्या करना शुरू किया, कैसे शुरुआत कर दी कि जो आपकी जो थ्योरी की बुक्स है उनके खुद को पढ़ना, खुद को नोट्स बनाना, किस प्रकार से आपने आपको स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट किया था वहां से? हाँ सर, यूजी पीरियड में जो मेरे बुक्स थे, थ्योरी के बुक्स थे, मैं उनको दो तीन बार पढ़ लेती थी। मतलब तभी की तभी रिवाइज कर लेती थी, जैसे एक सेमेस्टर खत्म हुआ तो उसके नोट्स बना लेती थी। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई सर चारों साल। तो जब मैं पास आउट हो गई तो मेरे लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो उससे बहुत हेल्प हुई सर। ओके, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर थे, थ्योरी आपने खुद ने, खुद से सेल्फ स्टडी करके पहले से ही तैयार कर ली, उसके बाद क्या प्लानिंग रही कि हाँ यार, अब मुझे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है तो एमसीक्यू निकालना है, वहां तो आपने थ्योरी पढ़ी थी, उसके लिए आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की कि मुझे अब ये बुक पढ़नी चाहिए, थ्योरी की ये गाइड पढ़नी चाहिए, या मुझे टीएनसी के साथ जाना चाहिए, ये सारे किस प्रकार से आपने किए वो बताएं। हाँ सर, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो फिर मैंने नेक्स्ट यही सोचा कि मुझे एमसीक्यू जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैंने बहुत सुना था टीएनसी के बारे में, मेरी जो कजिन है वो भी टीएनसी से जुड़ी हुई थी, तो फिर मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उससे मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ सर। पहले पहले स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन जैसे कि न्यू पैटर्न आया, न्यू सिलेबस आया, तो जो 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस वाला जो आया था, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई सर टीएनसी की वजह से, टेस्ट सीरीज की वजह से। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा खेल लगता है,
एग्जाम हॉल में, और ये सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट। और आपने तो ये सारी चीजें सब चीजें सीख ली एक साथ ही, थ्योरी आपकी कंप्लीट है, प्रैक्टिस आपने कर ली, टाइम मैनेजमेंट और माइनस मार्किंग, ये सारी चीजें आपने बहुत ही सही समय पे आपने कंट्रोल कर लिया, तो बहुत ही जबरदस्त एक अच्छी रैंक को हासिल किया। टीएनसी के अंदर कौन सी रैंक रहती थी? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि टीएनसी में कौन सी रैंक रहती थी तेजस्वी की। डिफर करता था। स्टार्टिंग में रैंक अच्छी नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने माइनस मार्किंग को कंट्रोल करने की कोशिश की तो 100 के अंडर रैंक आ जाती थी सर मेरी टीएनसी ओके, जो गलतियां होती थी, बहुत सारे बच्चे, ये कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं बच्चों के जो प्रीवियस वीडियो में आए हैं, तो बहुत सारी में। जैसे गलतियां होती थी, बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो गलतियां होती थी उसको सुधारने की कोशिश की जाए। हमारी हम लोग पेपर देते हैं रोज, हमारे 20 गलत हो रहे हैं, हमारे 30 गलत हो रहे हैं, तो उनको कैसे सही कर, मिस्टेक्स जो होती थी वो मिस्टेक बुक्स कैसे प्रिपेयर करते थे और उसको कैसे चीजें करते थे वो बता सकते। तो जो भी मिस्टेक होती थी क्वेश्चंस में, मैं उसके अलग से नोट्स बनाती थी सर, वन लाइनर्स। और फिर जो जब शाम को पूरा पढ़ लेती थी तो एक बार उनको रिवाइज कर लेती थी सर रोज। ओके, और मिस्टेक्स बुक्स आप प्रिपेयर कर रहे थे, और जो जो गलतियां आपसे हो रही थी वो आप लिखते जा रहे थे, और कंटिन्यूअसली आप उनको रिवीजन मोड में वापस ले रहे हैं और बार बार उसको रिवीजन कर रहे थे। ये सबसे बड़ा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि मिस्टेक बुक्स कैसे बनाए, मिस्टेक्स बुक्स कैसे बनाए, तो मिस्टेक्स बुक्स इस प्रकार से प्रिपरेशन की जाती है। अब मैं टॉपर से पूछना चाहता हूँ कि एक अभी जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना, इस समय सारे बच्चे सोशल मीडिया पे, सबसे बड़ा तो रील्स का जमाना हो गया, तो शॉर्ट समय के अंदर एक बार लेके बैठ गए तो आधा घंटा गया, तो रील्स से कैसे, इंस्टा से कैसे, फेसबुक से कैसे, और यूट्यूब से अपने आप को कैसे प्रिवेंट किया? सर एक्चुअली मेरी फेसबुक का अकाउंट नहीं है और इंस्टा था, तो मैंने कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर दिया था। और रहा टेलीग्राम का, तो उसमें मैं क्विज वगैरह सॉल्व करती थी जो आते थे, जो भी ग्रुप्स वगैरह थे। और यूट्यूब पे सर मैं सिर्फ कुछ वीडियोस देखती थी बस, बाकी फोन का उतना ये नहीं था सर। ओके, यूट्यूब पे क्या है कि अभी यूट्यूब का भी एक बहुत ही बड़ा रह गया कि यूट्यूब पे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, लगातार क्लासेस देखते हैं, जैसे अब यूट्यूब पे क्या बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा बिखरा हुआ कंटेंट रहता है, कभी ये क्लासेस, कभी वो क्लासेस, कभी ये क्लासेस, ये लाइव, ये मैराथन, वो, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो आपका क्या विचार है और आपने किस प्रकार से उनको मैनेज किया कि आज ये क्लास देखा, आज वो क्लास देखा, किस प्रकार से देखते थे उनको? सर एक्चुअली मेरा मानना है कि अगर हम एक ही चैनल के क्लासेस करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे सर, क्योंकि अगर हम मतलब इधर उधर से कोई क्लासेस करेंगे तो कंफ्यूज बहुत होते हैं। और सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, कोई अलग लैंग्वेज में पढ़ाता है, किसी के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। तो मैं बस एक ही चैनल से पढ़ती थी सर, ऐसा कंटेंट मिक्स ना हो। ओके, कौन सा चैनल फॉलो करते थे आप? तो मैं टीएनसी फॉलो करती थी सर, जो अवधेश सर पढ़ाते थे एडवांस सीरीज, ओके, तो वो मैंने किया है। बहुत ही बढ़िया, और कंटिन्यूअसली आप आगे चल रहे थे एडवांस सीरीज के साथ और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे। एंजाइटी वाले फैक्टर पे आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इस समय ये चीज सोचते हैं, बहुत बच्चे ऐसे मेरे से एक सवाल करते हैं, मैं वो आपसे करना चाहता हूँ कि सर पढ़ते थे बहुत हैं और इस समय भी बच्चों के बहुत सारे मेरे पास यही क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं कि सर मैंने हर बच्चे की तरह मेहनत की है, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और मैंने हर चीज की है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? तो उनको, उन बच्चों में क्या कमी रह गई होगी कि वो क्या गलती करते हैं जो उनका सिलेक्शन नहीं होता? सर लोग घबरा जाते हैं जल्दी, मतलब इतना पढ़ लेते हैं कि सर ऊपर से चला जाता है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ज्यादा पढ़ लिया हो तो सब मिक्सअप हो जाने लगता है। तो उन सर मैं एंग्जाइटी मतलब मैं भगवत गीता पढ़ती थी तो उससे थोड़ा गुड, शांत रहती थी। और सर बस मेरे पास ओके, टाइम ही था कि मैं मतलब टेंशन लूँ या फिर एंक्शस हो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, 4 ही महीने थे और बिल्कुल मुझे कुछ भी बिल्कुल, करके करना था। तेजस्विनी जैसा नाम है वैसा ही आपके कर्म है, आपने काम किए, भगवत गीता आप पढ़ते थे, और बिल्कुल मैं भगवत गीता को बहुत मानता हूं और मैं खुद भी उसको कंटिन्यूअसली करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त, उसी से मोटिवेशंस का लेवल, एक अलग ही मोटिवेशंस रहता है, और बहुत सारे जिंदगी की ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो आप कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
चलो बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैं आपसे एग्जाम हॉल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये होता ना कि एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, पहला एग्जाम है और नॉट सेट जैसा बड़ा एग्जाम है, पैटर्न भी इस बार चेंज कर दिया, और एम्स के नाम पे तो सारी दुनिया पहले से ही डर रही कि एम्स का पेपर है, एम्स का पेपर है। तो डरने लगा कि यार पहली बार पेपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सर बस मन में इतना था कि अगर हार्ड होगा पेपर तो सबके लिए हार्ड होगा, ऐसा तो नहीं था कि बस मेरे लिए हार्ड होगा। तो डरने की बस इतना था कि जितना आता है उतना करो, नेगेटिव पे कम फोकस करो, क्योंकि तो प्रीलिम्स में मेरा नेगेटिव थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो इस बार बस यही था कि नेगेटिव थोड़ा कम करना है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में और मेंस के अंदर, और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चंस आपके राइट और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए? सब प्रीलिम्स में मैंने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 60 राइट थे और 28 रॉन्ग थे सर। और मेंस के अंदर मेंस में मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 73 राइट थे और 12 रॉन्ग थे सर। बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी, एक बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी है आपकी। 73 क्वेश्चंस का राइट होना और बहुत ही कम गलत होना, ये सारा खेल आप लगातार मेहनत करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारा खेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब एक चीज और, बच्चों के क्वेश्चंस हैं, हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग। सर पढ़ता भी हूँ, रिविजन भी करता हूँ, फिर भी माइनस मार्किंग हो रहे हैं, क्यों, क्या करें इनका? सर जैसे प्रीलिम्स हो गया था तो मैंने बस इतना किया था कि सॉल्व करती थी, थ्योरी तो बुक से ही पढ़ती थी, बस जब टेस्ट सॉल्व करती थी तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है तो ये भी कर लो, मैं बस जो आता है उतना ही करती थी और जो नहीं आता है उसको छोड़ देती थी सर। तो भले ही अटेम्प्ट कम होते थे क्वेश्चंस, लेकिन सही ज्यादा होते थे, तो वेरी गुड, वो टॉस सीरीज से मुझे बहुत फायदा मिला कि मतलब अटेम्प्ट कम हो रहे हैं फिर भी ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं और रॉन्ग कम हो रहे हैं, इसलिए मैं 28 से डायरेक्ट 12 पे आ पाई। बहुत ही जबरदस्त बात है। और ये सबसे बेस्ट चीज मुझे आपकी लगी कि माइनस मार्किंग को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना होगा, एक्यूरेसी जितना आए उतना ही चलो, और दूसरी बात प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। ये बहुत ही बड़ी कला होती है, बच्चों के पास कितना भी नॉलेज क्यों नहीं हो लेकिन नॉलेज से गेम नहीं जीता जाता है। आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम हॉल की भी होनी चाहिए और प्रैक्टिस किस प्रकार से करते हैं वो भी, स्ट्रेटजी होना बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, पेपर का लेवल, बहुत सारे र्यूमर्स यूट्यूब पे, ऐसा वैसा ये वो, डर नहीं लगता था कि यार कहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि अगली बार फिर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं? नहीं सर, पेपर को देख के तो मतलब इतना पता था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन कैसा पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पे था तो कट ऑफ का थोड़ा सा था, लेकिन पता था कि हो जाएगा। इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी नहीं ये नहीं पता था सर, रैंक के बारे में नहीं पता। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो किसको इन्फॉर्म किया, पापा मम्मी? हाँ सर, मम्मी साथ में ही थी, घर पे ही थे तो मम्मी को ही पता था। बहुत ही जबरदस्त। और उस दिन तो एक अलग ही रिएक्शन होगा कि हाँ मेरा अब सिलेक्शन हो गया और मैंने बहुत ही बड़ी सफलता को हासिल कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इस जर्नी के दौरान जो आपने बुक्स जो पढ़े हैं, मैं उन बुक्स का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपने फॉलो की, स्टैंडर्ड बुक्स का नाम बता सकते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग पीआर यादव से की थी सर थ्योरी के लिए, और फिर मैंने टारगेट पढ़ी, एनक्लिक्स की बुक्स पढ़े, सॉन्डर्स एनक्लिक्स, बस सर तीन बुक्स पढ़े और सर मैंने। बहुत मेरे फेवरेट बुक्स आपने नाम बता दिए, जिसमें मैं पीआर यादव और मोस्टली को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, और उसके बाद आप टीएनसी की टेस्ट लगा लेते हैं तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% कैसा भी पेपर आए 100% सफलता मिलती ही मिलती है। अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल ये है कि सजेशंस, एक तेजस्वी ने एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल कर ली है, अब बहुत सारे बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ कि क्या ऐसा एक मूल मंत्र है जिससे हम लोग आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल कर सकें? सर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी सर बहुत जरूरी है, मतलब सब खेल सर कंसिस्टेंसी का ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए सर। बहुत ही जबरदस्त, मैं तो
जबरदस्त बात बोली और मैं इसको वापस बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बहुत बच्चे हार्डवर्क करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं। आज उन्होंने 5 घंटे पढ़ लिया, फिर कल बैठ गए, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन रेस्ट ब्रेक ले लिया। ये गलती हर बच्चा करता है, लेकिन मैं आपने जो ये की पॉइंट दिया, मैं इसको फिर से रिविजन कर देता हूँ कि हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर आप मेहनत करते हैं, सफलता निश्चित होती है। बहुत ही शानदार आपने एक मूल मंत्र दिया। थैंक यू सो मच, आपने इस इंटरव्यू को अटेंड किया, बहुत सारे सजेशंस आपने दिए, बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनसी स्टार को, और बहुत 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 शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और जिस धरती से आते उस धरती का नाम, साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज के सारे गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।